हाय एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम लोग ऑर्थोग्राफिक पोजीशन का अपना सिक्स्थ क्वेश्चन देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने अपना फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर वो लेक्चर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑर्थोग्राफिक पोजीशन का, आप वहाँ पर सारा लेक्चर जो भी मैंने अब तक अपलोड किया है वो वहाँ पर थ्योरी पोर्शन से लेकर अपना ड्राइंग पोर्शन तक जो भी मैंने अपलोड किया वहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का इंक्लिनेशन वाला पोर्शन लिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन देखते हैं कि फ्रंट व्यू हमें किधर से लेना है। तो फ्रंट व्यू आप लोग देखिए, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है। क्वेश्चन में जब दे दिया है तो हम लोगों को वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर इसी साइड से लेना है। अगर क्वेश्चन में नहीं देता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था वहाँ पर नहीं दिया हुआ था, तब हमने वहाँ पर खुद से डायरेक्शन एक सेलेक्ट कर लिया था कि कौन सा डायरेक्शन में वहाँ पर हमें वहाँ पर लेना है फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू के लिए हम लोगों को टेंशन नहीं है, फ्रंट व्यू दिया हुआ है। तो साइड व्यू इधर से हो जाएगा, ये साइड व्यू हो जाएगा। तो हम लोग पहले फ्रंट देख लेते हैं, बिकॉज हम लोग पहले फ्रंट ड्रॉ करने वाले हैं। तो फ्रंट में क्या क्या यहाँ पर शो होने वाला है वो देख लेते हैं। तो जो हमारे सामने का वॉल होता है, जो हमारे जस्ट वर्टिकल हमारे जब फेस के सामने होता है, जो वर्टिकल वॉल होता है, हमें बस वही दिखता है फ्रंट व्यू में। और जो इंक्लाइन वाला पोर्शन होता है, मतलब जो हमें सामने से दिख रहा है, जो भी वो होगा, चाहे वर्टिकल होगा चाहे वो इंक्लाइंड सर्फेसेज होगा, वो भी हमें दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले ये वाला सरफेस जो एल शेप का दिख रहा है वो हमें दिखने वाला है फ्रंट व्यू में। ये पोर्शन हमें दिखने वाला है एल शेप का फ्रंट व्यू में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक 90 mm का लाइन ड्रॉ करना होगा। फिर यहाँ पर जो हाइट है वो यहाँ पर बैक में दिया हुआ 10 mm का हाइट हमें ड्रॉ करना होगा। और फिर ये टोटल हाइट जो है वो 40 का है। फिर लेफ़्ट साइड में हमें 40 का ड्रॉ करना होगा। फिर ऊपर में जो गैप है वो 20 का है, मतलब 90। फिर राइट में 10 mm हमें ऊपर जाना है, उसके बाद फिर लेफ्ट में 40 mm ऊपर जाना है, और फिर ऊपर में 20 mm गैप करना है। फिर डाउनवर्ड आना है। डाउनवर्ड कितना आना है, 40 था टोटल, तो 30 हम लोग डाउनवर्ड आ जाएंगे और उसको फिर मैच कर देंगे। तो एल शेप का हमें मिल जाएगा एक, वो बनने वाला फ्रंट व्यू में। और फिर एक जो इंक्लाइंड सरफेस है उसका जो वर्टिकल वॉल आपको दिख रहा है ये वाला, आपको जब सामने से यहाँ से जब आप खुद को इमेजिन कीजिएगा यहाँ पर, तो जो इंक्लाइंड सरफेस है वैसे हमें ट्रायंगल टाइप का दिखने वाला है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ करना नहीं है। लास्ट का जो यहाँ पर पॉइंट होगा उसको हम लोग डायरेक्टली ऊपर वाले पॉइंट से इंक्लाइंड लाइन से मैच कर देंगे, तो वो हमारा फाइनल इंक्लिनेशन वहाँ पर बन जाएगा। तो कैसे करेंगे वो हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं। इंक्लाइंड सर्फेस अगर फ्रंट व्यू में हमें ड्रॉ करना है तो हमें वो जस्ट एक इंक्लाइंड लाइन दिखने वाला है। तो जो हाइट मेन होगा उस हाइट से हम लोग को यहाँ लास्ट वाला पॉइंट से अगर मैच कर देंगे, बिकॉज क्वेश्चन में आप देखिए वैसे ही किया हुआ, यहाँ का जो पॉइंट है वहाँ से मैच कर दिया गया टॉप वाले से, और लास्ट वाले पॉइंट से इंक्लाइंड एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमें फ्रंट व्यू में बस उतना ही दिखने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक और चीज़ हमें डिसाइड करना है कि फ्रंट व्यू यहाँ पर बनाएं या फ्रंट व्यू उस साइड बनाएं, बिकॉज गैप कहाँ पर हमें छोड़ना है साइड व्यू के लिए। अगर हमें साइड व्यू यहाँ पर बनाना है तो गैप कहाँ पर छोड़ना होगा। अगर साइड व्यू नहीं बनाना तब तो कोई इशू नहीं है, बट अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो साइड व्यू भी बना लेते हैं, बिकॉज उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं है ये। तो साइड व्यू देख लेते हैं कहाँ पर बनेगा। यहाँ पर फ्रंट इधर है हमारे, ये वाला पोर्शन हो जाएगा राइट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड या राइट साइड व्यू हो जाएगा, राइट हैंड साइड व्यू हो जाएगा। तो इसके लिए राइट हैंड साइड व्यू होगा। तो ये वाला पोर्शन बनने वाला कहाँ है, फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनने वाला है। बिकॉज आप खुद को यहाँ पर इमेजिन कीजिए, खुद को इमेजिन जब कीजिएगा तो राइट वाला पोर्शन ये हो जाएगा, लेफ्ट वाला ये हो जाएगा। तो ये वाला जो हो जाएगा राइट हैंड साइड व्यू होगा। तो जब फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड होता है वहाँ पर राइट हैंड साइड व्यू का जब साइड व्यू बनाते हैं, मतलब जब उसका फिगर बनेगा वो फ्रंट व्यू के या एलिवेशन के लेफ्ट में बनता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। राइट वाला फिगर लेफ्ट में बन जाता है और लेफ्ट वाला राइट में। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू हम लोग अगर यहाँ पर बनाएंगे तो उस वो फिगर कहाँ पर चला जाएगा, साइड व्यू वो लेफ्ट में बोल रहा है, फ्रंट व्यू के लेफ्ट में। तो लेफ्ट में तो स्पेस नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, फ्रंट व्यू को यहाँ पर बनाना होगा और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग को साइड व्यू बनाना होगा। टॉप व्यू तो फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे बनेगा ही बनेगा। तो हमें वहाँ पर बनाना होगा फ्रंट व्यू, साइड व्यू यहाँ बनेगा, टॉप व्यू नीचे में बनेगा। तो हमने देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर 90 mm का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 40 का हम लोग ड्रॉ कर लेंगे वर्टिकल इस साइड में, 10 का यहाँ पर कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से 20 का अंदर आ जाएंगे 20 mm, फिर यहाँ से 30 आ जाएंगे, उसके बाद फिर इसको मैच कर देंगे। ये ड्रॉ कर लेते हैं फ्रंट व्यू। एक्स वाई लाइन सबसे पहले हम लोग बना ले रहे हैं यहाँ पर रेफरेंस लाइन। ये हमने एक्स वाई बना लिया। अब हम लोगों को 90 mm का लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है, जो कि एक्स वाई से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो वो हम लोग खुद से ड्रॉ कर लेंगे।
कितना एबव होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी क्वेश्चन में कर चुके हैं, थोड़ा सा एबव हम लोग कर लेते हैं, एक्स वाई लाइन से जस्ट पैरेलल होना चाहिए और थोड़ा सा हम लोग उसको ऊपर चले जाएंगे एक्स वाई लाइन से। यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। नाइन्टी एम हमें फ्रंट में दिख रहा है, नीचे का जो लाइन है वो 90 mm दिख रहा है, तो 90 mm का हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर 90 mm का लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग क्या करना है, आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा यहाँ पर, आप इमेज में देखिए, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ थोड़ा छोटा में, 40 का यहाँ पर हाइट दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए 40 का हाइट दिख रहा है और इस साइड 10 का दिख रहा है, तो यहाँ पर 10 हम वर्टिकल चले जाएंगे, इधर से हम लोग 40 चले जाएंगे और फिर यहाँ 20 इन कर जाएंगे बिकॉज 20 भी है, और उसके बाद फिर 30 नीचे आ जाएंगे। तो कर लेते हैं, पहले हम लोग 40 ऊपर चले जाते हैं, फोर्टी ऊपर आ गए हैं, उसके बाद फिर 10 mm 20 mm इधर आ जाएंगे हम लोग, 20 का वहाँ पर गैप दिया है आप लोग देखिए वहाँ पर फिगर में, ट्वेंटी का हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद 10 mm हमें यहाँ से यहाँ तक गैप छोड़ना था 10 mm थ्रू आउट, तो 10 हमने यहाँ से 30 नीचे आ जाएंगे, 10 तक वो गैप हो जाएगा, 30 नीचे आ जाते हैं। ये हमने 30 ड्रॉ कर लिया, ये 40 था, ये 30 हो गया, अब 10 mm का हमने यहाँ पर गैप छोड़ दिया, यहाँ से 10 mm अबव चले जाएंगे और यहाँ से इसको मैच कर देंगे। तो कर लेते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ मैच कर देते हैं। ये हमने जो भी वर्टिकल फेस था, वर्टिकल सरफेस हमें फ्रंट से दिख रहा था, वो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब इंक्लाइन वाला सरफेस आप देखिए, इंक्लाइन वाला सरफेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पॉइंट से टच दिख रहा है और इस पॉइंट से टच दिख रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग उसको यहाँ से यहाँ मैच कर देंगे, तो हमारा इंक्लाइन वाला सर्फेस ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा इशू नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं बिकॉज वो एबव वाला पोर्शन के लास्ट पॉइंट से है और यहाँ पर राइट साइड पोर्शन के राइट साइड है, मतलब अपर वाले पोर्शन पर है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली मैच कर देते हैं अपने स्केल्स की हेल्प से, वही हमारा इंक्लाइंड सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। सेम हाइट का यहाँ पर इसलिए ज़्यादा इशू नहीं है, अगर डिफरेंट हाइट होता तब यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो सकता था, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था वहाँ पर 20x20 का दिया हुआ था इंक्लिनेशन, ये हमने बना लिया है, सब चीज़ हमने शो कर दिया है। यहाँ पर डायमेंशनिंग आपको करना है तो डायमेंशनिंग यहाँ पर कर लीजिए, टोटल हाइट यहाँ पर हम लोग शो कर सकते हैं, इस साइड भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, इस साइड में कर देता हूँ बिकॉज इधर हम लोग साइड व्यू बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा और लेफ्ट कर देते हैं उसको, राइट कर देते हैं बिकॉज हमें टाइम वहाँ पर लिखना भी होगा। यहाँ पर 10 भी शो करना है, 10 भी शो कर देते हैं, साथ साथ करते चलते हैं। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10, उसके बाद हॉरिजॉन्टल जो भी था हमारा 90 जो मिला था वो 90 का ड्रॉ कर देंगे, उसी में गैप कर देते हैं जो भी हमें डायमेंशन टोटल शो कर रहा है। यहाँ पर कट कर देते हैं, ये हमारा 20 का हो जाएगा,
ये 70 हो गया और ये हमारा 20 का था, 20 हो गया, एक ही बार मैंने कर दिया, या टोटल 90 का था, तो ये हमने 20 अंदर गए थे हम लोग, और यहाँ से यहाँ 70 हो गया, टोटल 90 हो गया, और 38 हो गया, एक ही डायमेंशन में हमने सब कर दिया है। अब हमने यहाँ पर फ्रंट व्यू बना लिया है, टॉप व्यू हम लोग बना लेते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले वर्टिकल वर्टिकल लाइन जो भी कॉर्नर्स मिले हैं वहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं लाइट पेंसिल से। उसके बाद हमारा टॉप व्यू में क्या दिखने वाला है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट फास्ट करते हैं, जहाँ जहाँ कॉर्नर मिला वहाँ वहाँ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, और ये पॉइंट था, जितने भी कॉर्नर्स पॉइंट होते हैं वहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं, तो टॉप व्यू अब देखते हैं टॉप व्यू में हमें क्या दिखने वाला है। आप लोग वहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा नीचे में करके शो करता हूँ, टॉप में देखिए आप लोग यहाँ पर क्या दिखेगा। टॉप में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो टॉप में हम लोग देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन जो इधर है उधर से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक वॉल बना लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कौन सा सर्फेस हमें कहाँ पर बनाना है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस टाइप का रेक्टेंगुलर जो सरफेस यहाँ पर मिल रहा है टॉप में, वो हमें जस्ट यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप का बनेगा और जस्ट वो नीचे आ जाएगा, बिकॉज ये वर्टिकल वॉल मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई लाइन को, एक्स वाई लाइन से जो जितना डिस्टेंस पर होगा वो हमें उतना बना लेना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गैप ले लेंगे, गैप लेने के बाद टोटल अगर हम लोग पहले रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाला रेक्टेंगल जो है आपको दिख रहा है 50x20 का, 50x20 का यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है 50x20 का, तो 20 गैप ये वाला है, 20 गैप ये वाला है, और 50 हमें नीचे आ जाना है, 20 गैप ये वाला है और 50 गैप हमें नीचे आ जाना है। आपको इमेज वहाँ दिख रहा होगा, 20 ये वाला है, टोटल 20 ये दिया हुआ है और 50 हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो 50x20 का ये रेक्टेंगल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला जो रेक्टेंगल है जो हमें और दिखने वाला, जैसे कि इस साइड ये टोटल पहले हम लोग रेक्टेंगल बना लेंगे, बाद में फिर इंक्लाइंड सर्फेस को बीच में हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले टोटल रेक्टेंगल ये वाला पहले बना लेंगे, उसके बाद फिर ये वाला जो छोटा रेक्टेंगल दिखेगा ये कितना बाई कितना का दिखेगा, ये टोटल 90 था तो यहाँ पर 20 हमने माइनस कर दिया, तो 70 का ये हो जाएगा, 70x यहाँ पर जो डेप्थ है इसका 50, 70x50 का और हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, मतलब ये बचेगा वो 70 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे चले जाएंगे 50 हो जाएगा। तो मतलब पहले 90x20 का भी बना सकते हैं और बाद में इसको भी डार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो 90 है ही, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ 50 है ही, 50 कर लेते हैं, 90x50 का एक बना लेते हैं, बाद में इसको डार्क कर देंगे तो 20x50 हो जाएगा और ये 50x70 हो जाएगा। तो वो कर लेते हैं पहले, उसके बाद कहाँ पर इंक्लाइंड सर्फेस होगा वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 90x20 का, 90x50 का, 90 हमें दिखने वाला है, जो विड्थ है वो तो हमें दिखेगा ही, तो 90x50 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 हो गया और 50 नीचे आ जाते हैं, ये 50 हो गया, 90x50, इस साइड भी हम लोग 50 आ जाएंगे नीचे, ऑलरेडी प्रोजेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, बस उसी के नीचे आ जाना है। ये हो गया, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मैच कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, अब टॉप से देखा था हमने तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर में, आप देखिए एक पहले रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, 20x50 का रेक्टेंगल आपको दिखने वाला है, टॉप से देखेंगे तो 50x20 का रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बिकॉज ये वाला वॉल हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल है टॉप से हम देखेंगे तो ये वाला हमें कंप्लीट ऐसे दिखेगा, तो ये हमने टॉप में दिखा दिया 50x20 का। और फिर जो ये वाला है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पर है, बीच में इंक्लाइन भी हमें दिखेगा, बट अभी हमने इंक्लाइन ड्रॉ नहीं किया, अभी हमने पहले क्या किया, हॉरिजॉन्टल जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल है इसके ये वाला सरफेस जो है यहाँ वाला, उसको फिर हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर दिखा लिए। अब बीच में इंक्लाइन वाला है तो इंक्लाइन वाला दिखा लेते हैं, वो कितना कितना का है वो हम लोग देख लेते हैं, और कितना गैप पर हमें बनाना है वो भी देख लेते हैं। तो आप लोग इमेज में देखिए वहाँ पर जो इंक्लाइन सरफेस है, दोनों लाइन जो हमें दिखेगा, जैसे कि इंक्लाइन सरफेस हमें जस्ट हॉरिजॉन्टल दिखने वाला है, तो जस्ट हॉरिजॉन्टल जो दिखेगा वो दोनों के बीच में लाइन जो बनेगा वो 10 mm का लाइन बनने वाला है, बट साइड से कितना डिस्टेंस पर है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, मतलब
इस लाइन से कितना डिस्टेंस पर है, इस लाइन से कितना डिस्टेंस पर है, वो दिया हुआ नहीं है, तो वो हम लोग खुद से निकाल लेंगे। बिकॉज ये 50 है तो 50 के बीच में जो पॉइंट आएगा वो 25 आएगा, 25 जस्ट हमने सिमेट्री करके बीच के वाला पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, 10 mm है तो 5 इधर चले जाएंगे, 5 इधर आ जाएंगे, तब दोनों लाइन को हम लोग यहाँ से करके मिला देंगे, तो वही हमारा टॉप में दिखने वाला है। टॉप में हमें जस्ट वो हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, मतलब वो हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में दिखेगा, इंक्लिनेशन हमें टॉप में नहीं दिखता है, इंक्लिनेशन या तो साइड में दिखेगा या हमें फ्रंट में दिखेगा। तभी हमने यहाँ पर फ्रंट में ही इंक्लाइंड देख लिया कि कितना इंक्लिनेशन है, और यहाँ पर टॉप में बस हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखेगा, दो लाइन वहाँ पर दिखने वाला है, दो वहाँ पर एजेस वहाँ पर उसके हैं जो वो दिखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 50 का है तो हम लोग यहाँ पर 25 पर मार्क कर लेते हैं और 5 mm इधर आ जाएंगे, 5 mm इधर आ जाएंगे, और वहाँ से फिर जो पॉइंट मिलेगा वहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो कर लेते हैं वो, सबसे पहले यहाँ पर 25 पर मार्क कर लेते हैं, 12.5 पर, बिकॉज टोटल हमने यहाँ पर लिया था 50 लिया था, 25 पर मार्क करेंगे हम लोग, 25 जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट हमें मिल गया, ये दोनों पॉइंट मिल गया हमें, ये बीच का पॉइंट हो गया और ये 5 mm इधर आ गया, 5 mm इधर आ गया, दोनों पॉइंट हमें मिल गया है। अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग मैच कर देते हैं, जस्ट हॉरिजॉन्टल है, आप लोग को पैरा लाइन मेथड जो अपना है मिनी ड्राफ्टर या रोलर स्केल उसके हेल्प से कर देना है। मैं यहाँ पर बोर्ड पर डायरेक्टली ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 10 mm का गैप आपको मिल गया होगा, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, 10 mm का गैप आपको मिल गया होगा, यह एग्जैक्ट 10 mm है। तो हमने फाइनल यहाँ पर बना लिया है, जो टॉप व्यू में हमें दिखने वाला है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ये बीच में इंक्लाइंड सरफेस है, बट हमें टॉप में वो हॉरिजॉन्टल जैसा ही दिख रहा है, और बीच में जो गैप है वो 10 का है, और यहाँ पर टोटल जो है ये 50 का है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डायमेंशनिंग कर लेता हूँ, टोटल ये 50 का था तो 50 कर लेते हैं पहले, ये हमारा 90 का है, ये 90 का कर लेते हैं, ये तो ऑलरेडी हमने शो कर ही दिया है तो इसका करने का जरूरत नहीं है, बस इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, ये 10 का है तो ये हम लोग 10 यहाँ पर आगे में करके शो कर लेते हैं। ये वाला हमारा गैप जो है वो 10 का है, ये टोटल 50 का है, तो हमने टॉप व्यू भी ड्रॉ कर लिया है, ये डायमेंशन ड्रॉ करते ये ऑलरेडी हमारा शो किया हुआ है ऊपर में। अब देख लेते हैं साइड व्यू में हमें क्या दिखने वाला है। तो साइड व्यू ड्रॉ करने से पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन, एक्स वन वाई वन जो होता है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद साइड व्यू में क्या दिखेगा वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। एक्स वन वाई वन ये हमारा हो गया, एक्स वन वाई वन, उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और रोटेट करके जो हम लोग करते हैं प्रोजेक्टर ड्रॉ करके, या फिर बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हमें कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है वहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर बाद में देख लेते हैं क्या क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको डार्क कर लेते हैं। फिलहाल अभी हम लोग लाइट रखेंगे इसको, यहाँ पर एक कॉर्नर मिल रहा है ये वाला कर लेंगे, जैसे ज़रूरत होगा उसके हिसाब से एक्सटेंड कर लेंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगा तो बाद में अगर रब करना चाहें तो रब भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ये लाइन मिल जाएगा, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर भी टर्न करके रोटेट करना होता है, तो जो भी पॉइंट मिल रहा है उसको एक्स वन वाई वन तक ले आते हैं, यहाँ पर एक मिल जाएगा, एक यहाँ पर जस्ट मिल जाएगा, एक यहाँ पर मिल जाएगा, और फिर एक यहाँ पर मिल जाएगा। फोर पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं, मतलब फोर लाइंस मिलने वाले हैं, और जब उसको प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वन वाई वन तो फोर पॉइंट्स हमें मिलेगा। फोर पॉइंट मिल गया है, अब हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं, मार्क करके उसको वहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया फर्स्ट, सेकेंड यहाँ हो गया, थर्ड यहाँ हो गया, और फोर्थ यहाँ हो गया, और सेंटर जो है वो हम लोग को यहाँ पर लेना है और आर्क बनाकर रोटेट करते जाना है। तो आर्क बनाते जाते हैं और रोटेट करते जाते हैं, आप लोग देखिए वहाँ पर, देखिएगा आप लोग यहाँ पर
मैं यहाँ पर सेंटर ले रहा हूँ इसको, इस वाले पॉइंट को सेंटर ले रहा हूँ जहाँ पर दोनों प्लेन आपस में मैच होता है, या दोनों एक्स वन वाई वन और एक्स वाई लाइन जहाँ पर मैच होता है वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और रोटेट करते चले जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा बोर्ड में प्रॉब्लम होता है ड्रॉ करने में, बिकॉज यहाँ पर स्लिप करता है। अब रेडियस बढ़ा देना है, यहाँ तक जो पॉइंट आया वहाँ तक आ जाना है और फिर उसको रोटेट कर देना है। थर्ड यहाँ हो जाएगा ये वाला, और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर। टोटल हमने ड्रॉ कर लिया है, इसको ठीक से पॉइंट मार्क कर लेते हैं फिर आपको शो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी पॉइंट्स हमें मिले हैं यहाँ पर एक्स वाई लाइन पर रोटेट करने के बाद वहाँ से वर्टिकल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखेंगे जहाँ जहाँ जरूरत होगा उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे और उसको डार्क कर देंगे, अदरवाइज बाकी को रिमूव कर देंगे। सारे लाइन हमने वर्टिकल ड्रॉ कर लिया, अब हम लोग को देखना है साइड व्यू में एग्जैक्ट हम लोगों को क्या दिखने वाला है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें साइड व्यू में क्या दिखेगा, आप लोग यहाँ पर शो करता हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग देखिए यहाँ पर साइड से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ। सबसे पहले हमारे सामने नीचे वाला जो सर्फेस है वो हमें जो आगे में है 10x50 का वो हमें दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग, ये टोटल 50 का था तो हम लोग 50x10 का इसको हम लोग सबसे पहले डार्क कर देंगे। ये वाला सर्फेस हमें कंप्लीट दिखने वाला है, यहाँ पर कोई भी और लाइन नहीं दिखेगा, वो कंप्लीट दिखने वाला है। उसके बाद जो बैक वाला है वर्टिकल वॉल, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो हमारे सामने वर्टिकल ये वाला सरफेस है, तो ये वाला सरफेस टोटल पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, बीच में हमें इंक्लाइन वाला जो दिखेगा वो हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारा 50x का जो हाइट है वो हाइट हमें 30 का दिखेगा, तो ये 10 तो ऑलरेडी हम लोग डार्क कर चुके हैं, ये 30 हमें दिखेगा और ये 50 का है, तो यहाँ पर 30x50 का ये हम लोग डार्क कर देंगे। और बीच में जो इंक्लाइन जो वाला सरफेस है वो हमें जस्ट दो वर्टिकल लाइन, ये वाला जो वर्टिकल लाइन है यहाँ और यहाँ जो इस साइड वाला पोर्शन होगा जो अभी यहाँ से नहीं दिख रहा है वो हमें यहाँ से सामने से देखने पर हमें दिखने वाला है दो वर्टिकल लाइन, तो ये दोनों वर्टिकल लाइन को हम लोग जस्ट डार्क कर देंगे तो वो हमारा इंक्लाइन सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। साइड व्यू में हमें यहाँ पर इंक्लाइन सरफेस नहीं दिखने वाला, यहाँ पर इंक्लाइन सरफेस ओनली वन फ्रंट व्यू में, कोई एक ही व्यू में हमें वहाँ पर इंक्लाइन सरफेस दिखता है, चाहे वो फ्रंट में दिख जाए अगर तो साइड में नहीं दिखेगा, और साइड में दिखेगा तो फ्रंट में दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस वाले को 10x50 वाले को डार्क कर देते हैं, बिकॉज आगे का पोर्शन है ये वाला सर्फेस है वो दिख जाएगा, उसके बाद फिर 50, उसके बाद फिर ये 30x50 का डार्क कर देते हैं और बीच में इसको दोनों को डार्क कर देते हैं, वही हमारा बन जाएगा साइड व्यू। इसको सबसे पहले डार्क कर लेते हैं, यहाँ पर वर्टिकल है 10, टोटल को कर देते हैं 10x50 तो दिखेगा ही, टोटल को हमने ऐसे करना ही होगा, फिर आपको शो कर देंगे किसको किसको अंदर में डार्क करना है। टाइम में सेव करने के लिए मैं टोटल को एक ही बार यहाँ पर कर दे रहा हूँ बाहर बाहर को पहले डार्क, बिकॉज सामने में हमें सब दिखने वाला है, बैक वाला भी दिखेगा और फ्रंट वाला भी दिखेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 10mm के जो हाइट पर हमें दिखने वाला था वो हम लोग यहाँ पर शो कर देते हैं। ये वाला सरफेस हमें कंप्लीट दिखने वाला है, यहाँ पर कोई भी दो लाइन नहीं दिखेगा, वो हमने बस कंस्ट्रक्शन लाइन बनाया है। इसके ऊपर 10mm के ऊपर वाला हमें यहाँ पर कंप्लीट दिखने वाला है, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए इंक्लाइंड सरफेस जो है यहीं तक गया हुआ है, उसके नीचे नहीं गया हुआ, तो इंक्लाइंड सरफेस यहाँ तक आपको साइड व्यू में दिखने वाला है, तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ डार्क कर देंगे। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया है, यहाँ पर रब हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये हमने बना लिया है, इसका डायमेंशनिंग कर लीजिए, हाइट तो ऑलरेडी डायमेंशन किया हुआ है, बस ये वाला हम लोग डायमेंशनिंग कर लेते हैं। ये है टोटल 50 का वहाँ था तो 50 का यहाँ भी हो जाएगा, और ऊपर वाला ये कैप अगर आपको शो करना है तो ये कैप आप लोग यहाँ पर ऐसे करके शो कर दीजिए। दो वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 10 है ये, मैं फ्री हैंड ही कर दे रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉपर स्केल से यूज़ करके करना है टाइम सेव करने के लिए। मैं जैसे ये 10 था तो हमने यहाँ पर 10 करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके कर लिया, ये थोड़ा सा और इस साइड होगा,
तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया है। अब चाहे तो बाकी लाइंस को आप रब कर दें, अगर इसको आप रिप्रेजेंट नहीं करना चाहें या लाइट तो ऑलरेडी शो कर रहा है तो इसको आप चाहें तो रब कर दें। यहाँ पर मैं तो अंदर वाले कम से कम हटा देता हूँ बिकॉज देखने में थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, और यहाँ पर भी अंदर वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ। आप लोग उसको लाइट से रहने दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग लाइट ड्रॉ कीजिएगा ताकि वो देखने में प्रॉब्लम इशू ना हो। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, हमने फाइनल सोल्यूशन बना लिया है। ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया, यही हमें दिखने वाला है। डायमेंशनिंग आप लोग देख लीजिएगा, कहीं पर अगर छूट रहा होगा तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट होगा आप तो वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसका टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है अपना, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर बनाकर आप सेंड करना चाहें तो सेंड कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक पर क्लिक करके। पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। 100+ वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज में, कॉलेज के ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए। वीडियो के यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।